अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे भाई। आज है भाई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच, जैसा कि आप सबको पता है और जीत गए होंगे। जाहिर सी बात है अभी जब आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो पाकिस्तान टीम जीत चुकी होगी इंशाल्लाह। या अल्लाह बस याद है पाकिस्तान टीम को जो इतने हार्ट अटैक वाले मैचेस जीत के फाइनल में पहुंची है पाकिस्तान टीम। इंडिया को भी हराया, अफगानिस्तान को भी हराया। अफगानिस्तान को तो मजा ही आ गया था जिस तरह हराया था यार, मतलब को दो छक्के नसीम शाह के, जावेद मियांदाद ने मारे थे, उसके अलावा शाहिद अफरीदी तो मारता ही रहता था यार छक्के, और ये नसीम शाह के भी लिखे जाएंगे हिस्ट्री में। ताकि ये भाई इंटरेस्टिंग मैच हो पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच, और यही उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम जीते। ब्लॉग ये कि भाई हम लोग नीचे जाके देखेंगे मैच को शराबी के साथ। बाकी ये कि भाई इस ब्लॉग में इसे स्टार्ट करते हैं, बल्कि एक काम यार 60 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। जल्दी से 1K करो ताकि मुझे 1K में जिम लेके जाएगा। जिम वो तो मैं वैसे भी ले जाऊंगा यार, मसला थोड़ा है। अच्छा ये कि भाई 1K कराओ, 60 सब्सक्राइबर्स रह गए। बाकी इस ब्लॉग को इससे स्टार्ट करते हैं, तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई व्लॉग हो चुका है इस वक्त स्टार्ट। अभी हम लोग जाएंगे नीचे छलालबी के साथ, नीचे सबके साथ जाके मैच देखेंगे भाई, मिलकर मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे मैच। आई होप कि मजा है मैच देखने में, इंटरेस्टिंग मैच हो ना, तो भाई फीका फीका मैच हो यार, फाइनल मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और सीन को जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर तक नीचे जाएंगे, टॉस भी होने वाला है 1 घंटे तक। बाकी ये भाई कौन जीतेगा साहब? श्रीलंका जीतेगा, बहुत अच्छी। क्यों? फ्राइडे को वैसे जीत गया था, इसलिए जो है ना फ्राइडे को मैच हुआ था तो ये श्रीलंका की साइड पे हो गए इसी वक्त से। और क्योंकि भाई उन्होंने अच्छा खेला था वैसे फ्राइडे को ना। बाकी यार हमारे लड़कों ने भाई जान नहीं मारी थी उस वक्त, वरना जीत जाते थोड़ी था। बाकी ये कि भाई पाकिस्तान टॉस जीते पहले, तो ये कि भाई थोड़ी देर तक टॉस भी होगा। अभी नीचे जाएंगे मैच देखेंगे शराबी के साथ, मस्त प्लान है, मिलते थोड़ी सी देर के बाद। उनको जैसे इस वक्त 6:30 बज रहा है और फाइनली टॉस हम लोग जो है जीत चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं भाई पाकिस्तान विन द टॉस। तो भाई टॉस तो हम लोग जीत चुके हैं भाई, पहला हमारा यही टारगेट था कि भाई हम लोग टॉस जीते, तो फाइनली जीत चुके हैं। बस थोड़ी देर तक मैच स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहे हैं, मिलते थोड़ी देर के बाद। जैसे कि हम लोग नीचे आ चुके थे और आउट हो गया भाई, नसीम शाह ने विकेट ले लिए, क्या ही बात है यार, मतलब वाह यार नसीमा, क्या बात है नसीम, ये बंदा लव है यार नसीम शाह यार, मतलब एक आउट हो चुका है, 2 रन और एक आउट हो चुका है, फाइनली 1 विकेट आ चुकी है, जो कि हमें बहुत जरूरत थी यार, बोल्ड हुआ यार, वाह यार वाह वाह नसीमा वाह, मजा आ गया, पहली विकेट हो गई फाइनली। और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे विकेट गिरती रहे और जल्द से जल्द कम टारगेट मिले हमें। 3 आपको जैसे हैं कि 177 का टारगेट मिला है यार, हमारी इतनी ज्यादा धुलाई हो गई, तो कौन मारता है यार। तो बाकी ये कि भाई 177 का टारगेट मिला है और एक बंदे ने 65 रन बनाए थे, बड़ा मतलब के एंड में बड़ा ज्यादा ही पिट गए थे हम लोग। बाकी ये 177 का टारगेट है, उसके बाद आप देखते हैं हमारा क्या सीन है, बना पाते हैं या नहीं। A few moments later. भाई मैच की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि भाई 0 मतलब के एक बॉल भी नहीं कराई और 9 रन बन गए यार, बड़ी बात है, इतना प्रेशर में मतलब कैसे यार। ये भी भाई ये देखे फिर वाइट मार दी यार, वाह यार इतना प्रेशर, मतलब यार श्रीलंका वालों अभी से कांप रहे हो क्या? अभी इनकी कांप में टांग रही है। वाह यार वाह 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 क्या बात है भाई, इतना वो डर चुके हैं, मतलब हमारी बैटिंग नाम से रिजवान और बाबर है सामने, 0 बॉल है और जो है 9 रन यार, क्या ही बात है, एक बॉल पे 10 रन बना ली हम लोगों ने, क्या ही बात है, एक बॉल से 10 रन। हमारी 2 विकेटें गिर चुकी हैं, बाबर भी आउट हो गया और फखर जमान भी आउट हो चुका है यार, यार शिराज भी क्या हो रहा है यार, बाबर को किसकी नजर लग गई है भाई, बाबर को। बाकी ये कि भाई अभी देखते क्या होता है, बाबर पे काला जादू किया हो गया किसी ने भाई, भाई वो विराट कोहली जिसने हैंड चेक किया, जब से उसकी किस्मत फूट चुकी है, विराट कोहली बंदा अच्छा है मगर ये क्या उसमें किसी ने काला जादू किया, लेकिन अरे यार। बाकी ये भाई अभी फखर जमान की भी नहीं चल रही, बड़ी बात है यार, वो फखर फकर है, बस फकर हो गया समझे फकर हो गया। हाँ बाकी यार अल्लाह खैर करे भाई, देखते हैं हमारे से 177 रन चेज हो पाते हैं या नहीं। भाई दिल धक धक हो रहा है, ये मैच ये लोग जो है ना आराम से नहीं जीत सकते, हार्ट अटैक दे के छोड़ दिया हमारे को। अब तो पक्का हार गए हम लोग, तो भाई एक आउट और हो चुका है, अब पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी है हमारी जीतने की, तो बस 8 आउट हो चुके हैं, 12 रन पे 12 बॉलों में 51 रन चाहिए, जो कि भाई इम्पॉसिबल है, कोई बैट्समैन नहीं पड़ा, वो हार गए हम लोग। सीन को जैसे हम लोग हार चुके हैं यार, अब बाकी एक है, मिलते हैं घर जाके फिर बात करते हैं, फिर करते हैं व्लॉग को एंड। तो भाई सीन को जैसे हम लोग हार चुके हैं यार, बड़ा मतलब कि हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल काम नहीं करी, और बॉलिंग में हम लोगों ने जब फील्डिंग वगैरह कर रहे थे तो एक बॉल को जो 3-3 लोग पकड़ रहे थे जाकर, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार। बाकी बैटिंग में सिर्फ रिजवान ने 50 रन किए थे हाफ सेंचुरी, उसके अलावा सब लोग आउट होते गए, बाबर की बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रही, फखर जमान वगैरह तकरीबन सारे बैट्समैन बिल्कुल नहीं सही खेल पाए, और जो है फील्डिंग तो बिल्कुल ही खराब हुई थी, जिसके बाद एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा गए थे, 140 भी हम लोग रोक सकते थे, तो शायद हम लोग जीत भी सकते थे, अगर 140-130 टारगेट होता तो।
जो कि भाई गवा दिए, इतने सारे कैचेस छोड़े, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए, बाकी खैर हार चुके हैं। श्रीलंका डिजर्व करता था यार, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी टीम थी और मेहनत बहुत ज्यादा करी उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के लिए। इस तरह के फ्राइडे को भी वो लोग जीते थे यार, और उसके अलावा इस मैच में भी उन्होंने खेलते हुए नजर आया, मतलब उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, तो मतलब कमाल हो गई यार, टीम बहुत अच्छा खेला उन्होंने और वो डिजर्व करती थी जीतना। बाकी एक उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये वाला ब्लॉग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, 1K का टारगेट जल्दी से पूरा करवाओ मेरा यार। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।